तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टर्बो फूड स्लाइसर। ये एक प्रोडक्ट है पिजन की तरफ से, जैसे आपको सैलड बनाना हो, पोटैटो चिप्स बनाने हो, गार्लिक चॉप करना हो, अनियन चॉप करना हो, लस्सी बनानी हो, ऐसे ही काफ़ी सारे काम घंटों के काम मिनटों में आप ख़त्म कर सकते हैं। गाइस मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइडर नीरज। तो गाइस ये प्रोडक्ट आता है पिजन कंपनी की तरफ से, इसका नाम है टर्बो फूड स्लाइसर। तो गाइस ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक से बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ये आपका घंटों का काम मिनटों में ख़त्म करेगा। अगर इसके कंटेनर की बात करें तो 1.5 kg का इसकी कैपेसिटी है और ये जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से ऑल इन वन यूज होने वाला है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग अभी स्टार्ट करते हैं और इसके सारे अटैचमेंट जो हैं मैं आपको धीरे धीरे सारा कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से अटैचमेंट को कैसे यूज किया जाता है। तो ये इसकी वारंटी कार्ड इसके साथ में आता है और इस तरह का जो है आप इससे सैलड बना सकते हैं। आप देख सकते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट आप चॉप कर सकते हैं, आप छाछ या लस्सी इससे बना सकते हैं, आप इससे आटा भी लगा सकते हैं, आप इससे अनियन स्लाइस, कोकुम्बर या फिर गाजर के स्लाइसेस भी काट सकते हैं और जूलियन टाइप के सैलड्स भी आप काट सकते हैं, यानी कि फ्रेंच फ्राई भी बना सकते हैं। गाइस आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये इतने सारे अटैचमेंट आपको इसके साथ में देखने को मिलते हैं। ये एक 3-piece ब्लेड है जो कि बहुत शार्प है, अगर आपको यूज करना है तो आप केयरफुल रह के यूज करना क्योंकि इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ब्लेड को लगाने के बाद ये इसकी लिड यानी कि इसका कवर ऊपर से लग जाता है और इसको लगाने के बाद ये इसका हैंडल है। इसको हैंडल आपको असेंबल करने के लिए इसको नीचे की तरफ प्रेस करना होगा। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस किया और इसको उसमें ऊपर पुश कर देना है। इसको आप जैसे पुश करके छोड़ेंगे तो इसका हैंडल इसके अंदर ईजिली फिक्स हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है। ये इसका एक हैंडल है ऊपर से रोटेट करने वाला, जिसमें दो तरह के आपको गियर दिख रहे होंगे। अगर आप इसको पास वाले में लगाते हैं तो ये लोड जब होता है तो आपको इसको पास में लगाना है जो कि इसको धीरे धीरे घुमाएगा, और अगर आपका लोड कम हो जाता है यानी कि हल्की चीज़ है तो आपको सेकंड वाले में लगाना है जिससे ये तेज़ घूमेगा। और ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है इसके, जिससे आप स्लाइसेज वगैरह काटते हैं तो ये यहाँ पे थिकनेस को कम करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप ग्रीन कलर के उस पार्ट को निकाल देते हैं तो उसकी थिकनेस मोटी हो जाएगी, अगर आप उसको लगा देते हैं तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो हमने अभी थिकनेस हमको कम चाहिए यानी कि पतले स्लाइसेस काटने हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले अनियन स्लाइस आपको काट के दिखाएंगे। तो अनियन की स्लाइस काटने के लिए मैंने एक अनियन लिया है, आपको मीडियम साइज़ का अनियन लेना होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा अनियन अंदर जाएगा नहीं, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। और अनियन को इस तरह से रखने के बाद में अब आपको इसको ऊपर से रोटेट करना है। आप याद रखें कि आपको गियर नंबर 1 में ही इसको लगाना है ताकि जो है आपको घुमाने में, इसको रोटेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। और यू वॉन्ट बिलीव 30 seconds के अंदर इसने हमको जो है इतने सारे स्लाइसेज काट के दे दिए हैं। और सारे स्लाइसेज की अगर आप थिकनेस की अगर बात करूँ तो सबका थिकनेस एक जैसा है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं आया है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, सैलड काटने के लिए तो मेरे को मस्त आइटम लगा ये। और अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ इससे पोटैटो स्लाइस, यानी कि आप पोटैटो चिप्स भी इससे बना सकते हैं। तो वही आपको आलू का साइज़ जो है छोटा लेना होगा, ज़्यादा बड़ा आलू इसके अंदर नहीं आएगा। और उसी तरह से हमको आपको फिर से रोटेट करना है और अब हम इसको घुमाते हैं। तो अब इसको घुमाने के बाद आप देखिए किस तरह से ये पोटैटो स्लाइसेज इसकी निकालता है। आप चाहे इनसे चिप्स बना सकते हैं, आप चाहे किसी अगर इसकी थिकनेस भी आपको मोटी करनी है तो वो भी आप मोटी कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसका ग्रीन वाला पार्ट एक वहाँ से रिमूव करना होगा जो प्लेट इसके अंदर नीचे लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बस ये फ्री हो जाए। और ये देखिए अब आपके सामने जो पोटैटो स्लाइस आने वाले हैं, देखिए आलू आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा और ये पोटैटो स्लाइसेज हैं, ये भी सारे के सारे शेप में एक जैसे हैं, सबका थिकनेस एक जैसा है, कोई भी छोटा बड़ा पोटैटो आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, है ना कमाल की चीज़। तो ये हो गए आपके पोटैटो स्लाइसेज। अब आपको क्या करना है, ये जो पार्ट जिसमें ग्रीन वाले दिए हुए हैं मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, अब आपको क्या करना है, इनको उल्टा कर देना है। इनको उल्टा करने से क्या होगा, इसमें है ना ब्लेड दिए हुए हैं, जो ब्लेड क्या करेंगे आपको
आपको एक अलग ही शेप यानी कि डाइस शेप में आपको जो है कोई भी कटिंग करनी है तो वो आपको मिल जाएगी। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं डाइस पटेटो बनाना। तो डाइस पटेटो बनाने के लिए हमने ब्लेड को उन अटैचमेंट को उल्टा कर दिया है और अब इसके अंदर पटेटो लगाया, और पटेटो लगाने के बाद मैं इसको रोटेट करता हूँ। इसको हम लोग जो रोटेट करेंगे तो इसमें जो है जो हमें जो चीज़ चाहिए वो बन के आएगी। तो वो कैसी है वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा। तो ये हमारा आलू, देखें आलू आपको दिखाई नहीं देगा, तो इस तरह से डाइस में ये कन्वर्ट हो चुका है ना कमाल की चीज़। अगर आपको इस तरह की डाइस पोटैटो बनाना है तो आप ये आप सोचिए आपको कितना टाइम लगने वाला है इस तरह के जो है कटिंग करने के लिए। तो है ना कमाल का प्रोडक्ट ये। और इतना ही नहीं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ अभी चॉप्ड गार्लिक, यानी कि गार्लिक को कैसे चॉप करते हैं। अब आपने कभी देखा होगा कि अगर आपको चॉप करना है तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, घंटों आपको चॉप करने में गार्लिक में निकल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 ब्लेड वाला अटैचमेंट इसके अंदर लगाना है, और जिसमें आपको लगे उतना एनफ मात्रा में आपको जो है पील्ड गार्लिक इसके अंदर डाल देना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने इतना जो इसमें पील्ड गार्लिक भर लिया है, ये इतना आपको दिख रहा है। और अब हम इसको घुमाना चालू करते हैं। तो ये अभी इसको रोटेट करेंगे तब तक ये फाइन चॉप नहीं हो जाता। ये आप यकीन मानिए विदिन 3 मिनट्स में इसने मुझे ये फाइन चॉप करके दे दिया था। अब 3 मिनट भी नहीं लगा इसको, इसने 3 मिनट के अंदर अंदर गार्लिक को इतना महीन करके दे दिया ना कि यू वॉन्ट बिलीव। और आपको ऐसा करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा अगर आप चॉपर वगैरह से करते हैं तो। तो है ना ये कमाल का प्रोडक्ट। अब ये इसको रोटेट करना है तो ये थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए आपको हाथ से टाइट पकड़ना पड़ेगा, नहीं इधर उधर घूमता है। देखिए कितनी बेस्ट क्वालिटी का गार्लिक चॉप हुआ है इससे। गाइस थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि इसके ब्लेड बहुत शार्प हैं, आपके हाथ वगैरह कट सकता है, तो बी केयरफुल। तो देखिए है ना, और थोड़ा अगर मैं कर देता तो साला पेस्ट ही बन जाता। तो गाइस अब बनाएंगे लस्सी। तो लस्सी के लिए आपको ये वाला अटैचमेंट ले लेना है, और ये वाला अटैचमेंट लेने के बाद इसमें आपको डाल देनी है दही। और दही आपको जितनी मात्रा में चाहिए उतना डाल सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि आप ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि इसमें से इसको रोटेट करते समय दही बाहर आएगा। तो आपको जितनी दही चाहिए उतना डाल देना, आपको जो जो चीज़ की नीड है वो डाल देना, और उसी तरह से रोटेट करना है जैसे आपको बाकी की चीज़ों में करते हैं, और आपकी थोड़ी ही देर में आपकी जो है लस्सी रेडी हो जाएगी। तो गाइस इसके साथ में आप एक और पार्ट देख रहे हैं वहाँ पे जो सामने रखा हुआ है, उसको लगा के आप आटा लगा सकते हैं इसमें। आप थोड़ा सा आटा, ज़्यादा मात्रा में आटा आप नहीं लगा सकते, थोड़ा सा आटा आप डाल के इससे आटा भी लगा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और इसका जो है बाय, अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आई थिंक 1100-1100 रुपये की रेंज में आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी लस्सी रेडी है, और इस तरह से आप इससे क्रीम वगैरह भी फेंटना चाहते हैं तो क्रीम वगैरह भी फेंट सकते हैं, सेम अटैचमेंट से वो काम भी हो जाएगा। तो है ना कमाल की चीज़। अब बारी है उस प्रोडक्ट की जिसको चॉप करने में हर कोई घबराता है। आम बात है कि जब आप ऑनियन को चॉप करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, आँखों से आंसू आते हैं, तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन मेन मुझे भी बहुत सारा, मैं चॉप करने में बहुत घबराता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन है इसमें भी। आपके पास ऑनियन लो, 4 टुकड़े करो और इसके अंदर डाल दो और इसको रोटेट करना स्टार्ट करो। 1 मिनट के अंदर आपको ये फाइन चॉप करके देगा। इस तरह का ऑनियन आप 1 मिनट के अंदर चॉप कर सकते हैं। आप इसमें 4 ऑनियन डालिए, 5 ऑनियन डालिए, लेकिन कट करके डालिए। 1 मिनट के अंदर अंदर आप इतना सारा ऑनियन चॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।